एवरीवन, दिस इज श्वेता विद धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, हिट एंड रन। ओके, रॉय थोड़ा गुस्सा कर रहा है। रॉय तुम कैमरा में हो। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हाँ, डॉग्स है, कुछ भी कर सकते हैं वो, मतलब आपस में थोड़ा सा चलता है इनका। पर मैं आज आपके सामने बताना चाहती हूँ कि हमारे पास मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर महीने हिट एंड रन के बहुत केसेस आते हैं, और कुछ जो केसेस होते हैं वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें हमें डॉग्स की एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। तो जो अगर डॉग यंग है तो उनमें तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। अगर फ्रैक्चर है तो आप पीओपी की वजह से पीओपी करके हम फ्रैक्चर ठीक कर सकते हैं, बट अगर बोन बिल्कुल क्रस्ड है तो उस सिचुएशन में हमें एम्पुटेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये मिली है, मिली अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मिली भी हिट एंड रन का ही एक केस रह चुकी है। मैं आपको उसका दिखाना चाहती हूँ कि ये 3-legged है, अभी ये बिल्कुल ठीक है, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ हो चुका है, बट आप देख सकते हैं कि ठीक हो चुकी है, बट उसको अपनी एक जो अपना जो एक पाँव है वो उसको ऑब्वियसली गंवाना पड़ा है। और ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं पपीज़ को लेके, जैसे कि ये हमने एक रिसेंटली पपी रेस्क्यू किया है और आप मान सकते हैं ये देखिए आप, ये सिर्फ 1.5 महीने का है, 1.5 month है इसकी एज, सिर्फ 1.5 month का है। और हमने जब इसका एक्सरे करवाया तो पता चला है कि इसका जो हिप का बोन है वो फ्रैक्चर्ड है। ऑल दो ये वेट ले रहा है, चलने की कोशिश करता है, बट अभी ये प्रॉपर केज रेस्ट में है विथ इसकी मेडिसिन भी चल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि इतना छोटा पपी, मतलब वो कोई भी डॉग है या पपी है वो डिजर्व नहीं करता, बट आप देख सकते हैं 1.5 महीने के पपी जो है क्या लाइफ है उसकी, मतलब मुझे शायद समझाना नहीं आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं कि जब इतने छोटे छोटे पपीज जो है हिट एंड रन का केस लेके हमारे पास आते हैं। और आपने देखा कि जब मैं इसको टच किया था ये कैसे रो रहा था। अभी ये वैसे फिलहाल थोड़ा ठीक है, थोड़ी अच्छी खबर ये है कि ये वेट लेने की कोशिश करता है, बट फिर भी ये केज रेस्ट पे है। और उसी तरह से हमारे पास एक दूसरा अभी रिसेंटली केस आया है, इसका नाम छुटकी है। छुटकी भी केज रेस्ट पे है, हमने पीओपी नहीं किया है क्योंकि पपीज जो होते हैं उनकी ग्रोइंग एज होती है, उस एज के साथ साथ उनकी जो बोन्स हैं वो भी ग्रोथ करती है, तो इस सिचुएशन में पपीज की हीलिंग जो है जल्दी होती है अगर नॉर्मल फ्रैक्चर हो। नो मिक्सी। तो छुटकी का जो पीछे वाला पाँव है, हाइंड लिम है, वो उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर है, उस वजह से हमने इसको केज रेस्ट पे रखा हुआ है। सिर्फ फ्रैक्चर है, बिल्कुल क्रस्ट नहीं है, अभी इम्प्रूवमेंट कर रही है धीरे धीरे, मतलब अपने ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन में चल रही है, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही है, बट हमने तब भी इसको रेस्ट पर रखा हुआ है। मिक्सी स्मेल कर रही है, मिक्सी को कुछ जानी पहचान से स्मेल आ रही है, और आप देख सकते हैं दोनों का बिहेवियर। ओके ठीक है, चलो मिक्सी हो गया, इट्स ओके, उसको छोड़ दो मिक्सी। और उसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे पास कितने केसेस आए हिट एंड रन के, और उसी तरह से ये है स्नूपी। स्नूपी का मैंने आपको शुरू में अपडेट दिया था कि उसकी जिस दिन उसकी एम्पुटेशन हुई थी, स्नूपी का भी जो पाँव है ना, पीछे का पाँव आप देख सकते हैं, पीछे की लेग जो है एम्पुटेट हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रैक्चर नहीं था, बिल्कुल क्रस्ट थी इसकी लेग, जिस वजह से हमें एम्पुटेशन का डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये एक मिक्सी हो गई, स्नूपी हो गई जिसकी एम्पुटेशन हुई है, और एक ये रॉय है। रॉय जो है रॉय तो यहाँ पे, रॉय आप देख सकते हैं, रॉय जो है हमारे पास कैचिंग के टाइम पे आया था, जब हम ABC कैचिंग सर्जरी कर रहे थे, हमारा कैंप चल रहा था, तब हमने इसको, आप देखिए पपी, ये देखिए पपी, आप समझ सकते हैं कि मतलब उसको पेन है, पेन तो चलो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बट स्टिल उसको कुछ ना कुछ तो थोड़ी ऐसा फील होता होगा कि जिस वजह से वो रो रहा है। ठीक है, बैक टू द रॉय को हमने ABC सर्जरी के दौरान, हमने इसको कैचिंग में हमने इसको लेके आए थे, जब रॉय हमारे पास आया था तो उसके जो फ्रंट लेग जो एम्पुटेट हुई है वो, और तुम जा सकते हो, वो उसके उस लेग का नर्व डैमेज था, वो ड्रैग करके चलता था अपने आप को, पर ऑब्वियसली ड्रैग करके फ्यूचर में इसके पाँव में वूंड हो सकता था, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी, इस वजह से हमने इसके लेग को एम्पुटेट किया है। बट ये बहुत स्वीट बॉय है, बहुत ज़्यादा स्वीट बॉय है। और पपी में एक और एग्जांपल है,
क्या नाम रखा है, जूनियर, हिज नेम इज जूनियर जॉर्ज। जूनियर का अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक हमने एम्पुटेशन की थी, इसका भी फ्रंट लेग एक्चुअली हिट होके वैसे ही इसका जो बोन था वो जुड़ चुका था, जिस वजह से अपने पाँव को ये ड्रैग करके चलता था, यू नो जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हैं ऐसे करके ड्रैग करके चलता था। तो आई नो पापे, आई नो। तो हमने इसे कौन इसलिए लगाया है क्योंकि अपने वो एम्पुटेड एरिया को ठीक ना कर सके। जूनियर जो है बहुत एक्टिव है, टच वुड, आई मीन क्यूट भी है, एक्टिव भी है, एक ये साइन होता है कि अच्छे हीलिंग हो रही है ना जूनियर। जूनियर बस खाने के टाइम में मैं आंटी लड़ता हूँ, बोलो आंटी मैं खाने के टाइम में लड़ता हूँ, ऐसे मैं स्वीट हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पपीज जो है कितने हिट एंड रन केसेस लेके आते हैं। आई मीन लोग हमें, कुछ लोग हम पे सवाल उठाते हैं कि हम स्टरलाइजेशन करते हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंडीज की। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, बट आप देख सकते हैं कि स्टरलाइजेशन ज़रूरी क्यों होती है, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि लोग जो है प्रेफर नहीं करते हैं इंडीज को अडॉप्ट करना। टू बी फ्रैंक मैं बोल रही हूँ, पपीज को अडॉप्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं। आज भी अगर हम पूछते हैं तो कुछ लोग यही प्रेफर करते हैं कि हमें ब्रीड डॉग चाहिए। अगर लोग, हर कोई लोग इंडी अगर अडॉप्ट करेगा तो ऐसे केसेस होना कम हो जाएंगे। प्लस अगर आप अडॉप्ट नहीं करते हैं तो अपने एरिया को, तभी हम बोलते हैं कि कुत्तों की स्टरलाइजेशन करा के रखें ताकि ऐसे केसेस ना हो। तो आज मीनवाइल ये था एक टॉपिक कि हमारे पास हिट एंड रन केसेस आते हैं, और जिसमें से ज़्यादातर पपीज़ होते हैं जिनकी कहीं लेग फ्रैक्चर होती है, हिप फ्रैक्चर होता है, किसी का एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यू नो ये सब कुछ बहुत पेनफुल होता है। टू बी ऑनेस्ट, एक रेस्क्यू टीम के साथ काम करके, रेस्क्यूअर हो के भी ये सब देखना बहुत बुरा लगता है। तो आई होप आपको आज का रियल टाइम अच्छा लगा होगा। तो बस ये दिखाना चाहते थे कि हमारे पास कितने डॉग्स आए हैं, पपीज़ आए हैं एम्पुटेशन के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है, जिनको अपनी लाइफ गंवानी पड़ती है। ओके, तो ये तो था आज का रियल टाइम। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ थोड़ा सा मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि रीज़न क्या होता है स्टरलाइजेशन ना होने का, तो मैं आपको आगे भी ऐसे ही रियल टाइम में हमारे जो शेल्टर में चीज़ें चल रही हैं वो दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ बाय, राइट स्नूपी, बाय ना, ओके।